अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं एसएम महमूद एंड वेलकम टू ज़ायंस। लास्ट वीडियो में हमने स्टडी किया था कि सीएसएस में लेंथ के कौन कौन से यूनिट्स होते हैं, जिसमें कि हमने एब्सोल्यूट यूनिट्स और रिलेटिव यूनिट्स को डिस्कस किया था, सिर्फ कि कौन कौन सी उनकी टाइप्स हैं और कौन कौन से यूनिट्स हमें अवेलेबल हैं। आज की वीडियो में हम एब्सोल्यूट यूनिट्स से स्टार्ट करेंगे और मैं आपको हर एक एब्सोल्यूट यूनिट को यूज करके दिखाऊंगा और फाइनली हम इस चीज का डिसीजन करेंगे कि हम अपनी वेब डेवलपमेंट में कौन सा यूनिट प्राइमरली यूज करेंगे। चलते हैं वीडियो की तरफ। एब्सोल्यूट यूनिट इनसे स्टार्ट करने के लिए मैं यहां पर क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लूंगा और साथ ही कोड एडिटर को भी ओपन कर लूंगा। लास्ट टाइम हमने यहां पर कलर्स तक स्टडी किया था, जिसमें कि हमने कलर्स की डिफरेंट वैल्यूज को स्टडी किया। मैं यहां से इसे डॉक्यूमेंट को रीसेट कर लूंगा और सीएसएस लेंथ यूनिट्स एब्सोल्यूट ओके सेव और यहां पर इसे भी रिफ्रेश कर लूंगा। यहाँ पे मैं वापस आऊंगा और रिफ्रेश करूंगा तो ये हमारे पास एंड रिजल्ट है। इस पूरे सेक्शन में जब तक हम यूनिट्स पे बात कर रहे होंगे, एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपको ये डेव टूल्स अच्छे से यूज करना आता हो। आप राइट क्लिक करें और इंस्पेक्ट करें, ओके। और यहां पर जिस भी एलिमेंट को आपने देखना हो, यहां से ये एलिमेंट सिलेक्टर है, मैं आपको इसे दिखा देता हूं। ये एलिमेंट सिलेक्टर है, ओके मैं इसे रिमूव करता हूं और ये एलिमेंट सिलेक्टर है। इस पे आपने क्लिक करना है और जिस एलिमेंट को आपने देखना है कि उस पे सीएसएस की कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, उस प्रॉपर्टी की क्या वैल्यू है, आप उस एलिमेंट पे होवर करेंगे और क्लिक करेंगे, ये उस एलिमेंट को सिलेक्ट कर लेगा। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे स्टाइल्स के टैब में जो राइट हैंड साइड पे आ रहा है, वहां पे आप देख सकेंगे कि स्टाइल्स के टैब में जितनी भी सीएसएस की प्रॉपर्टीज इस पे लग रही हैं और साथ में बॉक्स मॉडल इस एलिमेंट का हमें शो होगा, लेकिन जो फाइनल कंप्यूटेड प्रॉपर्टी है ना, जैसे कि ये फॉन्ट साइज 2 रैम है, तो ये फाइनल प्रॉपर्टी नहीं है जो इसको लग रही है। मैं यहां पर आऊंगा कंप्यूटेड प्रॉपर्टी में और यहां पर जिस भी प्रॉपर्टी की, सीएसएस प्रॉपर्टी की मुझे फाइनल वैल्यू देखनी है, बाय डिफॉल्ट आपका ये शो ऑल अनचेक होगा इस तरह से, और आप अगर कोई प्रॉपर्टी सर्च करेंगे तो चांसेस है कि वो प्रॉपर्टी शो ना हो, तो आपने ये शो ऑल को चेक कर लेना है। ये हर एक सीएसएस प्रॉपर्टी जो कि इस एलिमेंट पे लग सकती है और लगती है ब्राउजर में, उसकी फाइनल कंप्यूटेड वैल्यू जो लग रही है वो शो कर देगी। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फॉन्ट साइज जब मैं सर्च करता हूँ तो फाइनल जो वैल्यू इसको लग रही है वो 32 पिक्सल है, जबकि यहाँ पे स्टाइल्स में उन्होंने लिखा हुआ था 2 रैम। मैं यहां पर आ जाऊंगा और इसको चेंज कर लूंगा पी में, ताकि मैं डिफरेंट यूनिट्स के साथ प्ले कर सकूं। मैं इसको क्लास दे दूंगा, इसको मैं H1 में रिवर्ट कर दूंगा और नीचे बेसिकली ऐड कर लूंगा .p1 और यहाँ पे लॉरम को ऐड कर लूंगा। इसको मैं कॉपी पेस्ट करूंगा 3-4 दफा। कितने हमारे पास यूनिट्स हैं? 6 टोटल यूनिट्स हैं, तो मैं 6 दफा इसको कॉपी पेस्ट करूंगा, 2, 3, 4, 5 और 6। सेव करूंगा, यहाँ पे आके रिफ्रेश करूंगा तो आप देख सकते हैं कि अभी के लिए हर एक फॉन्ट साइज सेम आ रहा है और मैंने बेसिकली इसको जूम इन किया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं 200 पिक्सल पे। अगर मैं रीसेट करूंगा तो ये 16 पिक्सल पर ही है, लेकिन वो जूम इन इसलिए किया हुआ है ताकि आपको इजीली नजर आए। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर लूंगा ताकि आपके लिए ईजी हो, और यहाँ पे किसी भी एलिमेंट को सिलेक्ट करूंगा तो आप देख सकते हैं कि उसको 1 m जो फॉन्ट साइज है वो असाइन है। यहाँ पे बेसिकली मैं आऊंगा और फॉन्ट साइज आप देख सकते हैं कि 16 पिक्सल असाइन है। अब हम स्टार्ट करेंगे सीएसएस से, P1 फॉन्ट साइज और डिफॉल्ट के लिए मैं 16 पिक्सल सबको दे दूंगा ताकि मैं इजीली देख सकूं। यहां पर 2, 3, 4, 5, सॉरी 5, 6, ये हुआ सेव रिफ्रेश।
अब सिर्फ इतना चेंज हुआ है कि यहाँ पे स्टाइल्स में ये शो हो रहा है, अदरवाइज इसके अलावा और कुछ चेंज नहीं हुआ। इसको मैं चेंज करूंगा, अब यहाँ पे मैं करूंगा 1 इंच। ये बेसिकली यूनिट है, जिसका मतलब है कि यहाँ पे बेसिकली मैं यहाँ पे कर देता हूँ 1 इंच इसकी वैल्यू है। यहाँ पे मैं बेसिकली नेक्स्ट देख लेता हूँ, नेक्स्ट जो यूनिट है मिलीमीटर, 1 मिली मीटर। यहाँ पे बेसिकली मैं 1 और mm, यहाँ पे मैं इसको यहाँ से निकाल लेता हूँ ताकि तरतीब हमारी सही रहे, और इसको यहाँ से निकाल के यहाँ पे ले आता हूँ 1 सेंटीमीटर। यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ 1 सेंटीमीटर। नेक्स्ट पिक्सल पॉइंट और टीका, यहाँ पे बेसिकली अगर मैं 1 पिक्सल दूंगा तो वो बहुत ही कम होगा, लेकिन आपको दिखाने के लिए 1 पॉइंट और 1 पीका, सिर्फ और सिर्फ दिखाने के लिए कि ये किस तरह आपस में रिलेटिव है, एब्सोल्यूट यूनिट ये है एब्सोल्यूट यूनिट, लेकिन इनकी वैल्यू एक दूसरे के साथ कंपेयर करें तो क्या है। और यहाँ पर बेसिकली इस एलिमेंट सिलेक्टर को सिलेक्ट करके आप चेक कर सकते हैं कि हर एक को फाइनल जो कंप्यूटेड वैल्यू है फोन साइज की वो कितनी मिल रही है। मैं यहाँ पर फर्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ जिसको कि मैंने 1 सेंटीमीटर दिया था, तो उसको जो फाइनल पिक्सल में वैल्यू मिल रही है वो ये मिल रही है 37.7 और समथिंग पिक्सल। और यहाँ पर भी मैंने लिखा हुआ है ये चीज कि 1 सेंटीमीटर रफली इक्वल है इसके, जो कि एग्जैक्टली सही है। नेक्स्ट मूव करते हैं, यहाँ पे आप क्योंकि मिलीमीटर है 10 से डिवाइड करना था तो सेम ही है। यहाँ पर 1 इंच है वो 96 के इक्वल होता है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है। नेक्स्ट मूव करते हैं पिक्सल, ये बेसिकली 1 पिक्सल है, और ये कहाँ पर है, ये बेसिकली यहाँ पे नीचे करके है, इसलिए जो डिफॉल्ट बेसिकली वेब का फॉन्ट साइज होता है, डिफॉल्ट आपका वेब्स का ब्राउजर का पैराग्राफ का फॉन्ट साइज वो 16 पिक्सल होता है। नेक्स्ट पॉइंट, 1 पॉइंट PT इक्वल होता है 1.33 रफली 3 के पिक्सल के। और लास्टली 1 पीका वो इक्वल होता है 16 पिक्सल के, एग्जैक्टली 16 पिक्सल के। इन 6 एब्सोल्यूट यूनिट्स में से जो लेंथ का यूनिट, एब्सोल्यूट लेंथ का यूनिट हम अपने रेस्ट ऑफ द कोर्स में यूज करेंगे वो पिक्सल है। मैं इन सबको कमेंट कर देता हूं कि इनको हमने यूज नहीं करना, और यहां पर बेसिकली कमेंट्स को कलेक्ट कर देता हूं, सेव, और इसको 16 पिक्सल कर देता हूं। मैं यहाँ पर ब्राउजर में आके रिफ्रेश करूंगा तो आप देख सकते हैं कि सारे जो हैं वो बाय डिफॉल्ट हर एक को 16 पिक्सल असाइन होता है, और ये इसको मैंने खुद असाइन किया हुआ है जो पिक्सल वाला। ये थे CSS के एब्सोल्यूट लेंथ यूनिट्स, और एक दफा फिर इसमें से हम सिर्फ पिक्सल को यूज किया करेंगे वेबसाइट डिजाइन में। मैं इनको डन मार्क कर दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करेंगे रिलेटिव यूनिट्स को। ये थी आज की वीडियो, होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, मैं उसका जवाब दूंगा। वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। Don't forget to like this video and also subscribe to my channel.